देखो हमरा कोड़ा बोलेंगे, देखो हमरा कोड़ा बोलेंगे, पर तुम इसे हमरी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना। देखो हमरा कोड़ा बोलेंगे, पर तुम इसे हमरी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना। और अगर जे कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम्हें हो बस, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। क्योंकि तुम ही हर बार क्षेत्रीयता को, इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। यह है 23 साल के साहिल कुमार। बिहार और बिहारी पर लिखी इनकी ये कविता सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जब साहिल से पूछा गया कि कैसे उन्हें इस तरह की कविता लिखने की प्रेरणा मिली, तो उन्होंने इसके पीछे की कहानी बताई। बिहारी बॉय पोइट्री के नाम से जाने वाले साहिल कुमार जो आजकल वायरल जा रहे हैं, उनको हम पूछेंगे उनकी कविता के बारे में उतनी क्या खास बात है, और क्या उन्होंने कभी सोचा भी था कि उनके जो संदेश दिए गए हैं वो पोइट्री के द्वारा क्या वो वायरल होंगे। इसके पीछे की कहानी सुनते हैं साहिल खुद से। साहिल, पहले तो धन्यवाद बात करने के लिए। आप बिहारी पोइट्री बॉय के नाम से बहुत वायरल हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब लोग अब वैसे ही पहचान रहे कि मेरी कविता के द्वारा मेरे को लोग पहचान रहे, तो काफ़ी सही लग रहा है। हालांकि मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा इरादा कभी नहीं था वायरल होना, तुम सिर्फ लोगों को एक संदेश देना चाह रहे थे और कि अपने मूल से कैसे जुड़े रहना चाहिए। तो उसी दौरान तुम्हारा ये जो डबल एडवांटेज है, वायरल भी हो गया और लोगों तक संदेशा भी पहुंच गया, तो अब क्या महसूस कर रहे हैं? अभी तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने जो कविताएं जिस इंटेंशन से लिखने की कोशिश करी थी वो थोड़ा बहुत लोगों तक पहुँच रही है। लोग कविता के भाव को समझ रहे हैं और थोड़ा बहुत बदलाव का कारण भी बन रहा है। और अच्छा ये लग रहा है कि अब मैंने जो पुरानी कविताएं जो और लिख रखी है वो भी लोगों तक पहुंचेंगी, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं। तुम्हारे कविता को हम सुनना चाहेंगे ताकि हमारे ऑडियंस तक, जिन लोगों ने नहीं सुनी है, वो एक और बार उन तक पहुंचा सके। तो ये कविता की कहानी क्या है, और ये कविता अगर आप एक बार सुना देंगे जल्द से तो बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, तो ये जो कविता, इसका जो नाम है जागीर, और ये मैंने कॉलेज के दिनों में लिखी थी, जब मेरे सीनियर्स ने मेरे से पूछा कि तुम कहाँ से हो। मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। उनका जवाब आया कि दिल्ली से तो सभी हैं, तुम वैसे कहाँ से हो। तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली से ही हूँ, मॉम डैड बिहार से थे। तब जब ये लाइन मैंने बोली तो मुझे थोड़ा सा असहज सा लगा कि मैंने ये क्यों बोला। तब मैंने ये कविता लिखी, और ये चालू भी ऐसी होती है कि देखो हमड़ा को राह बोलेंगे, पर तुम इसे हमारी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना। और अगर जे कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम्हें हो बस, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। क्योंकि तुम ही हर बार क्षेत्रीयता को, इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो। अब मोमो से तुम्हारे मुंह का स्वाद बढ़ता है और लिट्टी चोखा से नाक चढ़ता है। साहिल का परिवार मूल रूप से बिहार के नालंदा का रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस में बीए करने वाले साहिल एक नए सफर पर मुंबई पहुंचे हैं। आपकी पोयम के पीछे जो एक कहते कि अंडरलाइन मीनिंग है, इसके पीछे क्या एक्चुअल कहानी क्या है? क्या आपको खटक गया था कि कुछ दोस्त आपको कह रहे थे कि तुम ओरिजिनली बिहार के हो, तो वो क्लेम किया करो ना कि दिल्ली के, या लोग चिढ़ाते थे, या एग्जैक्टली क्या हुआ जिसके कारण तुमने सोचा कि नहीं, जो है सच वही है और हम लोगों को अब कहेंगे हम बिहार से ही हैं? हाँ, तो ये था ऐसा कि स्कूल टाइम पे मेरे को उच्चारण की बहुत दिक्कत थी, सड़क पेर, तो मैं वो बोल नहीं पाता था। तो तब तक थोड़ा लगता था कि बच्चे ना उसको पॉइंट आउट कराते थे कि ऐसे नहीं होता है, और थोड़ा बहुत बुली भी करते थे। बट जब कॉलेज आया ना, तो मुझे समझ में आया कि ये चीज़ हमें खुद स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा हम, जिस तरीके से हम स्वीकार करेंगे लोग वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो अगर मैं बिहारी सुनने के बाद हीन महसूस कर रहा हूँ, या मुझे लग रहा है कि ये शब्द सही नहीं है मेरे लिए, तो वो लोग भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये क्लिक मुझे तब हुआ कि हाँ, मेरे को ना सही से बोलना पड़ेगा, तभी लोग भी बोलेंगे। तो उसके बाद मैंने तय किया कि नहीं, मैं तो बताऊंगा कि मैं तो बिहार से हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो ताने लोगों के सुने हैं, और तुम्हें भी ये खटक रहा था और तुमने सोचा कि अब तो सच ही बोलना है, जो है वही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो कहानी है और जो एक पोएम है पोइट्री के द्वारा, बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा कि जो, तुम तो कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी लोग हैं जो बिहार से या बिहार के छोटे जगहों से आते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि आप एक कहीं ना कहीं लोगों में एक एंथुजियाज्म और एनकरेजमेंट डाल रहे हो सच बोलने के लिए? हाँ, तो अगर कॉन्फिडेंस वाली बात की जाए ना, तो कॉन्फिडेंस, अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं भी है
और मैं देखता हूँ कि लोग जज कर रहे हैं या मैं स्टीरियोटाइप का शिकार हो सकता हूँ, तो मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस की शुरुआत तब होगी जब बदलाव आएगा। तो अगर एक भी व्यक्ति को देख रहा है कि हाँ ये फला आदमी बिहार से है और वो बताता है कि मैं बिहार से हूँ, उसको प्राउडली बताता है, तो लोगों को ये देख के कॉन्फिडेंस आएगा और ये शायद बदलाव की शुरुआत भी कर दे। ये संदेश लोगों तक पहुँचाने का कोई खास उद्देश्य या ऐसी कोई खास वजह? खास वजह नहीं, मतलब कैसा कुछ खास वजह नहीं, मैंने लिखी तो अपने लिए ही थी कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये कह क्यों रहा हूँ, तो मैं इसका कारण ढूंढने के लिए लिखी थी। फिर मैंने जब इसको अपलोड किया तब मुझे लगा कि ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि लगभग देखा जाए तो बिहार से पूरे देश में लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उस दौरान ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए लोगों के सामने कि वो छुपाएं कि मैं बिहार से हूँ, या वो ये बताएं कि मम्मी पापा बिहार से थे, मैं दिल्ली से हूँ, मैं मुंबई से हूँ। उनको ये बताना चाहिए कि हाँ हम भी बिहार से हैं, और ये अच्छी बात है। तो ये संदेश अब बन गया कि हाँ लोगों तक पहुँचना चाहिए, कि आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से हो। तो कहीं ना कहीं आप ये भी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इंसान है वो अपने मूल से जुड़ा रहे और जो अपने ओरिजिनल कल्चर है उसको कभी भी ना भूल जाए। जी, ये होता ही है कि आपको अपने मूल से जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपकी मातृभूमि नहीं बनाया है, तो अगर आप अपनी मातृभूमि को भूल गए तो आपका जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं वो ढलने लगेगा या कम होने लगेगा, इसलिए हमें जुड़े रहना पड़ता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, और ये जब हर लोग अपनी मातृभूमि को, अपने मूल को स्वीकार करेंगे तो भारत की विविधता को और सुंदर बनाएंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने कहानी तो लिखी, लेकिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी तो भरी हुई है, लेकिन आप उसको एनहेंस भी कर रहे हैं, अपने स्किल्स को होन भी कर रहे हैं। यहाँ मुंबई में आए हैं तो आप कोई कोर्स पढ़ रहे हैं और साइड बाय साइड कुछ काम कर रहे हैं जिससे आपकी पोएम राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाए? हाँ जी, तो मैं जैसे क्रिएटिव काम के लिए मैं इधर आया हूँ, तो मैं स्क्रीन प्ले लिखना सीख रहा हूँ और अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस से सीख रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग हैं, वो कई फिल्मों में काम करते हैं, तो वो लोग मुझे सिखा रहे हैं। और मैं यूट्यूब के लिए अभी लिखता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ और अपनी कविताएँ लिखता हूँ और कविता पाठ करता हूँ। तो मैं अभी अपने क्राफ्ट पर ही काम कर रहा हूँ, प्रॉपर फोकस मेरा मेरे क्राफ्ट पर ही है। जी, जागरूकता तो एक तरफ हो गया, लेकिन जो आप मेन प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाए और अपने अपने कल्चर्स को आइडेंटिफाई करके प्रमोट करने को आप मजबूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो ये इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पहले ही कहीं मैंने कोट भी पढ़ा था कि कलम की ताकत सबसे ज़्यादा होती है, तो मुझे लगा कि अगर ये ताकत मेरे को ऊपर वाले ने बख्शी है तो मेरे को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने शब्दों को इस्तेमाल करके अगर लोगों में थोड़ी भी जगह बना पा रहा हूँ, उनके मन में हल्का भी घर कर पा रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊँगा। और जागरूकता ही नहीं, बस मेरा ये भी है कि हाँ लोगों के विचार में थोड़ा सा ये आ जाए कि कला का जो मेन उद्देश्य होता है वो सहज लोगों को असहज करती है और असहज लोगों को सहज करती है। तो मेरा भी कला का वही उद्देश्य है कि मैं बस लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, बस आप सोचिए, बाकी चीज़ें तो हो जाएगी। जी धन्यवाद, थैंक यू साहिल बात करने के लिए। हम उम्मीद रखते हैं कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है उसमें काफ़ी हद तक सफल रहे। जी थैंक यू। ये था बिहारी बॉय नोन फॉर हिज पोइट्री जो कि आजकल वायरल चल रहे हैं, साहिल कुमार। उन्होंने एक लाइन कही थी अपनी कविता में, बिहार से हूँ लेकिन बिहारी मत कहना। देखते रहिए न्यूज़ तक पूरी कहानी जानने के लिए। कैमरामैन राजेश रेवनकर के साथ देव कोटक, न्यूज़ तक, मुंबई।